हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नाउ कार्बोहाइड्रेट, एज यू नो कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स मीन्स शुगर, एंड केमिकली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कार्बन देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अदर केमिकल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड केमिकली एस एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स, देन डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। नाम से ही पता चल रहा है, मोनोसैकेराइड्स मीन्स कंटेनिंग ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इन टू द स्मॉलर यूनिट्स। देन डाइसैकेराइड्स कंटेनिंग टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर नोन एज डाइसैकेराइड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स कंटेनिंग मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। नाउ मोनोसैकेराइड्स, द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज द CH2ON, एंड N इज द कार्बन नंबर। नाउ मोनोसैकेराइड इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कार्बन नंबर एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस लाइक एल्डिहाइड और कीटोस। इफ कार्बन नंबर इज द 3, इज आल्सो नोन एज द ट्राइओस। इफ कार्बन नंबर 4, टेट्रोस। देन कार्बन नंबर 5, पेंटोस। देन कार्बन नंबर 6, हेक्सोस, एंड कार्बन नंबर 7, हेप्टोस। इफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ट्राइओस, इज नोन एज द ग्लिसरल्डिहाइड, एंड द कीटोस फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज द डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। बोथ दिस ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन्स आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन इज ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। नाउ इफ कार्बन नंबर 4 मीन्स इट इज द टेट्रोस, इन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज इरिथ्रोस, एंड कीटोस इरिथ्रोलोस। दिस इरिथ्रोलोस इज द इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ द HMP पाथवे, हेक्सस मोनोफॉस्फेट पाथवे। इफ कार्बन नंबर 5 मीन्स पेंटोज, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट नोन एज दिस राइबोस, एंड द कीटोस इट इज द हनेरिबुलोस। दिस राइबोस इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA, एंड दिस रिबुलोस इज द इंटरमीडिएट सब्सटेंस ऑफ HMP पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। नाउ हेक्सोस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। दिस ग्लूकोज इज द मेन शुगर इन आवर बॉडी, कैरिड बाय द ब्लड, यूटिलाइज बाय द टिश्यू फॉर एनर्जी पर्पस। मैनोज इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंड ब्लड ग्रुप सब्सटेंस। Fructose is converted into the glucose in liver. Now, if carbon number 7, heptose, the aldehyde group present is known as the glucoheptose, and ketose functional group present pseudoheptulose. And the pseudoheptulose is also the intermediate substance in HMP pathway. This is all over the monosaccharide. नाम से समझ में आ रहा है, डाई मतलब 2 एंड सैकेराइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स। सो डाई सैकेराइड्स कंटेनिंग 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर नोन एज डाई सैकेराइड्स। सो दिस डाई सैकेराइड्स इज अगेन सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग नेचर, एंड रिड्यूसिंग डाई सैकेराइड्स मीन्स प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड आर कीटो ग्रुप, एंड दे रिड्यूस द cupric ion in Benedict reagent, and the Benedict test helpful to distinguish between the non-reducing sugar and non-reducing sugar. Now examples are non-reducing disaccharides.
फर्स्ट माल्टोज, सेकेंड लैक्टोज, थर्ड आइसोमाल्टोज। माल्टोज इज एन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च बाय द एक्शन ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम्स। इट कंटेनिंग ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ज्वाइंट बाय द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस माल्टोज डेक्ट विथ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म माल्टोसाजोन एंड इट प्रोड्यूस सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल। नाउ लैक्टोज, इट इज ए मिल्क शुगर। इट कंटेन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ज्वाइंट बाय द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल एंजाइम लैक्टेस एंड द डिफिशियंसी ऑफ दिस इंटेस्टिनल एंजाइम लैक्टेस इट लीड टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस। एंड दिस लैक्टोज इज अगेन रिएक्टिव विथ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म पाउडर पप और टेनिस बॉल शेप्ड क्रिस्टल। नाउ थर्ड आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज इज अगेन एन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च। इट कंटेन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ज्वाइंट बाय द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड्स, एग्जाम्पल सुक्रोज, एंड सुक्रोज इज ए केन शुगर। इट कंटेन ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज joined by the alpha 1 beta 2 glycosidic bond and this sucrose is hydrolyzed by the sucrase or invertase enzymes. Okay, now polysaccharides. ठीक नाम से ही समझ में आ रहा है। Poly means हने बहुत सारे and saccharides means sugar. Means polysaccharides contain more than 10 monosaccharides are joined by the glycosidic bond are known as polysaccharides. Now polysaccharides is is subdivided into the two groups depend upon their composition. If there is the same types of monosaccharides are joined by the glycosidic bond are known as homopolysaccharides, and if there is the different types of monosaccharides are joined by the glycosidic bond are known as heteropolysaccharides. Now examples of homopolysaccharides. In homopolysaccharides, starch and glycogen, then cellulose, inulin, and chitin. This starch, glycogen, and cellulose is homopolymers of glucose. And this inulin is a homopolymer of fructose. And the chitin is the homopolymer of N-acetylglucosamine. Now starch. Starch is a homopolymer of glucose. Then second, it is a storage form of carbohydrate in plant. It contains two parts. One is the amylose, another is the amylopectin. Amylose is the straight chain structure, and amylopectin is the branch chain structure. Amylose is a water soluble part, but amylopectin is the water insoluble part. The molecular weight of amylopectin is more than 1 million. And the molecular weight of amylose is the 4 lakh Daltons. Now, this glycogen. It is also a storage form of carbohydrate in animals, and it is mainly stored in liver and muscle. It contains also two parts, amylose and amylopectin. But this glycogen is a more complex structure and a more compact structure, and the molecular weight is the more than 5 million. Now cellulose. And this cellulose is a homopolymer of glucose. But in cellulose, the glucose monomer are joined by the beta 1,4 glycosidic linkage. But in starch and the glycogens, the amylose, the monomer of glucose are joined by the alpha 1,4. And in amylopectin, alpha 1,6 glycosidic linkage.
Now this cellulose is a structural supporting tissue in plant, and this cellulose is hydrolyzed by the cellulobase enzymes, and these enzymes are absent in human beings. So humans cannot digest this cellulose, and it is digested by the herbivorous animals. Importance of the cellulose: it is helpful for the synthesis of plastic fibers material. Now inulin, don't be confused with inulin and insulin. Insulin is a polypeptide, and it is synthesized by the pancreatic beta cell, and the deficiency of this insulin lead to the diabetic mellitus. But inulin is a polymer of fructose joined by the beta 1-2 glycosidic bond, and it is present in the onion, then garlic, and it is used in clinical estimation of the GFR, means glomerular filtration rate. Now chitin is present in insect, and it is a polymer of N-acetylglucosamine joined by the beta 1-4 glycosidic bond. Now heteropolysaccharides: in heteropolysaccharides, agar and mucopolysaccharides. Agar is obtained from the seaweeds, and the compost of agar is the first glucose, then galactose and other sugar molecules. Agar, aap agar ko water mein dissolve karte hain, then boil karte hain, phir cool karte hain, to a gel like structure banata hai, and agar cannot be digested by the bacteria. So agar is act as a supporting media for bacterial cultural growth and for electrophoresis. Now mucopolysaccharides: mucopolysaccharides is a polymer of amino sugar and uronic acid. Example of mucopolysaccharide: hyaluronic acid, then dermatan sulfate, keratan sulfate, chondroitin sulfate and heparin. But ye mucopolysaccharide apne aap mein kafi bada topic hai. Main next class mein mucopolysaccharides aapko alag se bataunga. Aasha karta hu aapko mera ye video acha laga hoga. Please mere video ko like kijiye, comments kijiye aur share kijiye aur subscribe kijiye, taki main aap logon ke liye acche se acche aise video aur prepare kar sakun. Thank you.